सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाली 20 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 10 दिन तक सुनवाई की। गुरुवार को सबमिशन का फाइनल फेज था। 10 दिन में 40 वकीलों ने दलीलें पेश की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस के कोल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस हेमा कोहली की संवैधानिक बेंच ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि ये मुद्दा केवल स्पेशल मैरिज एक्ट तक ही सीमित रहेगा। हम पर्सनल लॉ को नहीं छेड़ेंगे, हम फैसला सुरक्षित रखेंगे। इससे पहले 90 दिन भी सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया था कि मामले पर राय रखने के लिए सभी राज्यों को 18 अप्रैल को पत्र लिखे गए थे। उनमें से मणिपुर, आंध्र प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, असम, सिक्किम और राजस्थान से जवाब मिले हैं। राजस्थान इसके विरोध में है। बाकी राज्यों का कहना है कि इस मुद्दे पर बहस की जरूरत है।